ऑलराइट गाइस, तो क्या एल्विश यादव एंड मैक्सटन की फाइल स्क्रिप्टेड थी एंड फेक थी टोटली? मैक्सटन की एक स्टोरी अपलोड करने की वजह से काफी सारे लोगों का यही ओपिनियन है कि ये फाइल टोटली स्क्रिप्टेड थी। इस पर मैक्सटन ने खुद रिप्लाई भी किया है। क्या हुआ है मैं बताती हूँ, वीडियो को एंड तक पूरा देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अपडेट्स के लिए। रिसेंटली आपको पता होगा कि एल्विश यादव एंड मैक्सटन के बीच कितनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, दोनों के बीच में फिजिकली फाइट भी हुई, बाद में दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। इसके बाद मैक्सटन ने एल्विश यादव के एक सॉन्ग के टीजर को प्रमोट किया एंड अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ये कहा। एक नया गाना आ रहा है प्लेडियम एफ हरियाणवी पे, राव साहब रोलिंग, और इसमें आपके लिए एक छोटा सरप्राइज है, तो जल्दी से प्लेडियम एफ पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस गाने का वेट करो। उनकी ये स्टोरी देखने के बाद एक सेक्शन ऑफ लोगों का यही ओपिनियन था कि इन दोनों के बीच रिसेंटली इतनी फाइट हुई एंड अब मैक्सटन एल्विश यादव के सॉन्ग को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों की फाइट टोटली स्क्रिप्टेड, फेक एंड प्लान लग रही है। तो इस पर मैक्सटन ने रिप्लाई किया, तो वो रिसेंटली गए थे अनूप चहल के पॉडकास्ट में एंड वहीं पर जब उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया तो इस पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने कुछ ये कहा। पंकज त्रिपाठी सर जितना अच्छा एक्टर तो हूं नहीं, ठीक है, रही बात उसमें मैंने मार खाई है और बहुत बुरी तरह मार खाई है, और मैं इतना पागल तो नहीं स्क्रिप्टेड फाइट में असली वाला मार खाऊं, तो नहीं स्क्रिप्टेड तो नहीं थी। बाकी यार आपके अकॉर्डिंग क्या आपको ऐसा लगता है कि ये फाइट स्क्रिप्टेड या प्लान थी? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइए।